सिक्स क्लास में, दिस इज सेवन का ये क्लास है और इसमें हम दूसरा चैप्टर ले रहे हैं, दैट इज द थियोरीज ऑफ स्टोमाटल मूवमेंट। थियोरीज हम लोगों ने इसके पहले बात की अबाउट द स्टोमाटल मूवमेंट, दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह ट्रांजिटिविटी एंड फ्लैसिडिटी उस पर काम कर रही है और स्टोमाटा ओपन हो रहा है और ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वाटर इवैपोरेशन हो रहा है, राइट। अब हम लोग इसके पीछे बहुत सारे थियोरीज आए हैं, बहुत लोगों का डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट आया है, आखिर क्यों एंडोस्मोसिस हो रहा है, एंडोस्मोसिस होने के पीछे क्या कारण है, और उस कारण को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे थियोरीज और बहुत सारे हाइपोथेसिस दिए गए हैं, जिसमें कुछ चुने हुए थियोरीज जिसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है उसको आज हम लोग डील कर रहे हैं। इसके सारे डिटेल्स नोट्स के फॉर्म में मैं बाद में देती रहूँगी। इस थियरी में सबसे पहला थियरी जो आता है जो बहुत फेमस हुआ, दैट इज स्टार्च एंड शुगर इंटरकन्वर्शन थियरी। बेसिकली यह थियरी दिया गया था बाय लॉयड, जो 1900 में सबसे पहले ये प्रपोज किए थे कि स्टार्च ड्यूरिंग ओपनिंग स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इनसाइड द सेल्स, और जब ये क्लोज होता है तो शुगर अगेन स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। बट लॉयड जब इस चीज को डिस्कस कर रहे थे तो उनके पास एज सच कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, इसलिए उनकी बातों को बहुत सारी मान्यताएं भी नहीं मिले और वो वहीं पर रहे। 1926 दूसरे वर्कर आए सेरी, सेरी ने उसी थियरी को आगे बढ़ाया और उनका ये कहना था कि स्टार्च जो होता है इनसाइड द सब्सिडियरी सेल एंड गर्ड सेल, जब वाटर पहुंच रहा है तो वाटर के साथ बहुत सारे मिनरल्स पहुंच रहे हैं, उसमें एक है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जब स्टार्च इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एक्सेप्ट कर रहा है, रिपीटिंग, जब स्टार्च इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एक्सेप्ट कर रहा है और ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज वन फॉस्फेट, मतलब एक नंबर कार्बन पे फॉस्फेट लगा हुआ है, इस प्रोसेस को रेगुलेट कर रहा है एक एंजाइम, दैट इज फॉस्फोराइलेज। एक और इम्पोर्टेंट बात इस थियरी में कही गई है कि इस दौरान जब स्टोमाटा ओपन हो रहा है तो इसके स्टोमाटा के जो गर्ड सेल है उसका जो पीएच वैल्यू है वो ज्यादा हो जाता है, दैट मीन्स इट इज बेसिक, तब स्टोमाटा खुल जाता है, और जब पीएच लेवल डाउन हो जाएगा, मतलब ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है अगेन स्टार्च में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हो जाता है, तो पीएच लेवल डाउन हो जाता है और इस दौरान स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। मेरे ख्याल से मैं इसे ठीक से समझा सकी हूँ कि स्टार्च अगर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ले रहा है और वो ग्लूकोज ऑन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जा रहा है तो सिंपल सी प्रोसेस है कि स्टोमाटा ओपन होगा, पीएच वैल्यू इज हाई, और जब स्टार्च ग्लूकोज फॉस्फेट को छोड़ दे रहा है, पीएच लेवल डाउन हो जाता है, तो फिर से स्टोमाटा अपने ओरिजिनल पोजिशन में, मतलब फ्लैसिड कंडीशन में आ गया, स्टोमाटा क्लोज हो जाते हैं। ये तो थी सेरी की व्यू जो लॉयड के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा। सेकेंड व्यू जो आया है या थियरी आई है वो स्टीवर्ट्स थियरी, इन्होंने इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन, बात वही है बट एक्सप्लेन अच्छे से किया। जैसे देखो यहाँ इन लोगों ने कहा कि स्टार्च है, स्टार्च स्टोमाटा ओपन करने के लिए पीएच ज्यादा है, दैट इज 7 से अबव, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेकर ग्लूकोज वन फॉस्फेट पे बदलेगा, जब ग्लूकोज वन फॉस्फेट होगा तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का सोर्स इधर एटीपी होता है, दैट इज एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी, हम लोग रेस्पिरेशन में भी ये चीज को देखते हैं, तो इस दौरान ग्लूकोज वन फॉस्फेट बना। इस जगह हम लोग जो देख रहे हैं एक एंजाइम काम कर रहा है, दैट इज फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, और ये ग्लूकोज वन फॉस्फेट को ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट पे कन्वर्ट किया, मतलब क्या वो जो फॉस्फेट कार्बन ग्लूकोज के कार्बन नंबर फर्स्ट में लगा हुआ था वो शिफ्ट हो गया कार्बन नंबर 6। इस जगह एक और एंजाइम लग रहा है, दैट इज फॉस्फेटेज, जब फॉस्फेटेज लगा तो ग्लूकोज से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हो गया, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग होने के बाद ग्लूकोज फिर चला जाता है आगे
और ये कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड फाइनली इनटू स्टार्च। जब ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एक फॉस्फेट लेकर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में गया फाइनली स्टार्च में बदल जाता है, तो इसका पीएच फिर देखो कम हो गया, यहाँ 5 हो जाते हैं पीएच। इनका कहना है, स्टीवर्ट का कहना है कि ये एंटायर प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ एटीपी कंज्यूम हो रहा है, एटीपी कंज्यूम हो रहा है तो ऑक्सीजन या रेस्पिरेशन की जरूरत है, मतलब एनर्जी की जरूरत है। जिस बात को सैरी या लॉयड ने क्लियर नहीं किया था उसे क्लियर किया है स्टीवर्ट ने, और उन्होंने कहा कि रेस्पिरेशन का इम्पोर्टेंस यहाँ बनता है बिकॉज इट इज एनर्जी रिलेटेड। इस बात को भी थोड़ी सी मान्यता मिली क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। थर्ड जो पॉइंट है दैट इज एक्टिव के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, इसमें पोटेशियम का रोल कहा गया है। पोटेशियम पंप सिस्टम हम लोग बहुत जगह सुने हैं, स्पेशली इन फिजियोलॉजी, स्पेशली इनसाइड द प्लांट मेटाबॉलिज्म, इन एनिमल किंगडम मेटाबॉलिज्म में के प्लस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसे दिया था जापानीज वर्कर फ्यूजिनो। फ्यूजिनो का कहना है कि ये सब बातें सही है, जो बात ये बोल रहे हैं वो ठीक है, पीएच बढ़ रहा है, पीएच कम हो रहा है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहे हैं, ऑक्सीजन इन्वॉल्व, सब कुछ ठीक है। लेकिन उनका ये मानना था कि जब ये टूट रहा है इन आयनिक फॉर्म तो वहाँ एक एसिड बनेगा, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड एंड हाइड्रोजन आयन। इनका कहना होता है कि ये जो सेल है और सेल के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि ये जा रहा है, अगर हाइड्रोजन आयन बाहर निकला और के प्लस आयन अंदर जा रहा है, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ आयन, और इस ट्रांसपोर्ट के दौरान इसका पीएच गड़बड़ हो रहा है, या तो बेसिक हो जा रहा है या एसिडिक हो जा रहा है, ये भी कुछ हद तक इम्पैक्ट डाल रहा है कि किस तरह से और स्टोमाटा ओपन होंगे या क्लोज होंगे, या वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट वहाँ कहाँ तक सही हो रहा है। तो एंटायर फेनोमेनन इसी चीज पर डिपेंड होता है कि वो स्टार्च एंड ग्लूकोज, स्टार्च का ग्लूकोज में कन्वर्शन एंड ग्लूकोज का स्टार्च पे कन्वर्शन, यही एंटायर मैकेनिज्म है स्टोमेटल मूवमेंट का इनसाइड द प्लांट। इसीलिए जनरली देखा गया है कि जब लाइट होता है तो ये आयन एक्टिव हो जाते हैं डे टाइम, और इन नाइट टाइम दूसरे आयन एक्टिव हो जाते हैं तो वो जनरली क्लोज हो जाते हैं, और इन डे टाइम ये ओपन हो जाते हैं। हालांकि सारे थियरीज के कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स हैं और उनके क्रिटिसिज्म भी हैं, लेकिन ओवरऑल हम लोग स्टीवर्ट की थियरी, मैलिक एक्टिव आयन कॉन्सेप्ट थियरी या एक्टिव के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, इन दोनों को हम लोग मान्यता देते हैं और इसको हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं स्टोमेटल मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसके सारे नोट्स डिटेल्स मैं तुम्हें भेज दूंगी। इसे मेरे ख्याल से ये जहाँ तक मैंने कोशिश की है शायद तुम लोगों को कुछ समझ में आया, अगर कोई डाउट्स है तो हमें व्हाट्सएप पे लिखना, उसके हम उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।